दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अलवर इंडियन आर्मी के लिए भर्ती 2021 के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें कि ये आर्मी रैली कहाँ पर होगी, तो आपको बता दें कि कायद विश्राम स्थली अजमेर में यहाँ पर ये आपकी आर्मी रैली होगी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पोस्ट निम के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की यहाँ पर जो है पोस्ट रहेगी। इसके अलावा सिपाही फार्मा की भी यहाँ पर पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 14 मई 2021 से शुरू हो चुके हैं और जो इसके लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 27 जून 2021। अगर बात करें रैली की डेट की, तो यहाँ पर रैली डेट है 11 जुलाई 2021 से लेकर 2 अगस्त 2021। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड की वजह से इसका डेट और वेन्यू जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो ये हो गए इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर किसी को भी कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी उम्र होगी। तो पहले हम बात करते हैं सोल्जर क्लर्क और सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 23 साल तक हो सकती है। अगर बात करें सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए आपकी उम्र के बारे में, तो यहाँ पर भी आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 23 साल तक हो सकती है। अगर बात करें सिपाही फार्मा पोस्ट के लिए आपकी उम्र के बारे में, तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 19 साल हो सकती है और अधिकतम उम्र आपकी यहाँ पर 25 साल तक हो सकती है। तो ये हो गई आपकी उम्र। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप सोल्जर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कम से कम 12वीं पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, चाहे आपने आर्ट से करी हो, चाहे कॉमर्स से करी हो या फिर साइंस से करी हो। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने जरूरी है और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी है। और इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश और मैथ्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग, इनमें जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उनमें आपकी कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए, लेकिन ये आपने 12th पास करी है वो साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए और 40% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में होने जरूरी है। या तो ये क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने जो 12th करी है विद साइंस, जिसमें कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट हो, इसमें आपको जो है 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए और 40% मार्क्स जो है ईच सब्जेक्ट में होने जरूरी है। तो ये हो गई सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। हम बात करेंगे सिपाही फार्मा पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको क्वालिफाइड इन डी फार्मा विद मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, और ये जो आपने डी फार्मा किया है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल से या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसके अलावा यहाँ पर जो है इंडिविजुअल्स क्वालिफाइड इन बी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स, और ये भी रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल से या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो ये हो गई सिपाही फार्मा पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके मॉड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर मॉड ऑफ सिलेक्शन में आपके कुल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद आपका होता है PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद होता है आपका मेडिकल और फाइनल होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो इनके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप एक टेबल देख पा रहे हैं, तो आपको बता दें कि PFT टेस्ट में आपके कुल 4 अलग अलग टेस्ट होते हैं। इसमें एक तो होता है आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग, इसके अलावा बीम यानी कि पुलअप्स, इसके अलावा 9 फिट डिच और जिगजैग बैलेंस। तो पहले बात करते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप ये 1.6 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और आपको 60 में से 60 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप ये रनिंग 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच करते हैं, तो आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाता है और आपको
60 में से 48 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर 1.6 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने में आप 5 मिनट 45 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। 1.6 किलोमीटर रनिंग के बाद PFT में आपका अगला टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप्स। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। अगर आप 10 पुलअप सही तरीके से निकाल पाते हैं तो आपको 40 में से 40 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स दिए जाते हैं। 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो 27, 7 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो 21 मार्क्स, और अगर 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 16 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप 6 पुलअप्स भी नहीं निकाल पाते हैं सही तरीके से तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। PFT में आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच। आपको बता दें कि इस टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, बस आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसमें एक 9 फीट का लंबा गड्ढा होता है जो कि आपको कूदना होता है। 9 फीट डिच के बाद में आपका होता है जिगजैग बैलेंस। इसके भी कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है अगले स्टेप्स में जाने के लिए। तो ये हो गया आपका PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। PFT टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका दूसरा टेस्ट होता है PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। PMT में आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप एक टेबल देख पा रहे होंगे, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपकी हाइट, वेट और चेस्ट अलग अलग होता है। तो पहले बात करते हैं सोल्जर क्लर्क और सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए हाइट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी कम से कम हाइट 162 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें वेट की तो यहाँ पर आपका जो वेट यानी कि वजन है वो आपकी हाइट और एज के हिसाब से होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, इसके बारे में एक कंप्लीट टेबल जो है इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। तो वहां पे आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर बात करें चेस्ट की यानी कि सीने की, तो यहाँ पर आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। और अगर बात करें सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी पोस्ट के लिए आपकी हाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट आपका बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। और अगर बात करें सिपाही फार्मा पोस्ट के लिए आपकी हाइट के बारे में, तो यहाँ पर भी आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी जरूरी है और चेस्ट आपका बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर तक का फुलाव होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों वो कैंडिडेट्स जो कि ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट के बारे में बात करें, तो उनकी हाइट यहाँ पर कम से कम 162 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर बात करें चेस्ट की, तो यहाँ पर चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात करेंगे यहाँ पर PMT यानी कि हाइट, चेस्ट और वेट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो या फिर विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी वॉर विडो के अडोप्टेड यानी कि गोद लिए हुए पुत्र हैं या फिर सन इन लॉ है, तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा अगर आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की और वेट में 5 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। तो ये हो गई PMT में मिलने वाली छूट। और दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं आपकी हाइट और आपकी एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए, आप स्क्रीन पे टेबल में देख सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि आपके पास जब आप रैली साइट पे जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने जा रहे हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है और साथ ही साथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स है आपका एडमिट कार्ड, आपके फोटोग्राफ, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। ध्यान रहे यहाँ पर जो आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट है ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए लागू होता है जिनकी उम्र 21 साल से कम हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है या सन्स ऑफ विडो या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा ताकि उनको जो छूट मिलेगी वो मिल सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास NCC के सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जाएं साथ में, ताकि उससे भी आपको कुछ फायदा हो, छूट मिले। इसके अलावा अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाएं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स और एफिडेविट। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर जो आपकी सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ओरिजिनल और उनकी कॉपी भी साथ में ले जरूर लेके जाएं। सो फ्रेंड्स, ये थे वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रैली साइट पे साथ में लेकर जाने हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अलवर इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी हुई। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सवाल है, तो अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो। जय हिंद।